Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 6 squares and square root exercise 6.2 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे finding the square of a number. एक दिया हुआ number का हम लोग square कैसे पता करेंगे, आइए देखिए. यहाँ पे अगर हमको कोई number दिया हुआ है तो उस number का square पता करने के लिए हमारे पास दो tricks है, ठीक है. ये दो ट्रिक हम लोग आज पढ़ेंगे, आइए देखिए. ये है मेरे पास फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर. किसी भी दिया हुआ नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे. सबसे पहला ट्रिक यानी कि पैटर्न वन. ये है मेरे पास एक नंबर 23 जो हमको दिया हुआ है और हमको निकालना है 23 का स्क्वायर. तो 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20+3 और ऊपर में क्या था स्क्वायर. तो ये मेरा हो गया है 20+3 to the power 2. इसका मतलब क्या, इसका मतलब 20+3 एक बार लिख लिए, फिर 20+3 दो बार लिख लिए. 20+3 का स्क्वायर मतलब उस नंबर को दो बार लिख लिया. अगर हम लोग लिखते हैं 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 × 4 यानी कि जो दिया हुआ नंबर होता है उसको दो बार लिखते हैं हम लोग. इसी तरीके से ये मेरा हो गया है 20+3 एक बार और फिर हो गया है 20+3 दो बार, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या किए हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर कि ये जो दो नंबर था 20+3 और 20+3 ये दोनों के बीच में एक प्लस साइन को लेके आ गए हैं, ठीक है. ये वाला हो गया है 20+3 और ये वाला हो गया है 20+3, बीच में आ गया है मेरा एक प्लस का साइन. और यहाँ पे एक नंबर था 20, इसलिए जो पहला वाला 20+3 था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं जो फर्स्ट नंबर है 20 उसके साथ. और जो दूसरा वाला 20+3 था यहाँ पर, देखिए दूसरा वाला 20+3 उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं सेकेंड नंबर यानी कि 3 को. इसको सॉल्व करने से मेरे पास आ जाता है आंसर, यानी कि ये 20 × 20 ये मेरा हो जाता है 400, 20 × 3 करने से आ जाता है 60, फिर 20 × 3 आ जाता है 60, फिर 3 × 3 = 9 सबको एड करने से आ गया है 529. ओके, ये मेरा हो गया है पैटर्न वन. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल वन बोलता है कि 39 का स्क्वायर निकालने के लिए. तो हमको पता है कि 39 का मतलब होता है 30+9, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पर 30+9 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 30+9 लिख लिए एक बार, फिर 30+9 लिख लिए दो बार. अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से लिख लेंगे 30+9 और फिर से लिख लिए 30+9. जो फर्स्ट नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर, देखिए 30+9 × 30 हो गया यहाँ पर. और फिर सेकंड नंबर था 9, यहाँ पर हो गया 30+9 × 9 और दोनों के बीच में हम डाल दिए हैं एक प्लस का साइन. इसको सॉल्व करेंगे 30 × 30 यानी कि 900, फिर 30 × 9 यानी कि 270, फिर 30 × 9 यानी कि 270 और 9 × 9 = 81. इसको सॉल्व करने से आता है 1521. ओके, उसके बाद हो गया है 42. यहाँ पर 42 का स्क्वायर कहता है, ये मेरा हो गया है 40+2 यानी कि 40+2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लिख लिए हैं 40+2 और फिर लिख लिए हैं 40+2. ये मेरा हो गया है यहाँ पर, देखिए 40+2 लिख लिए हैं, फिर 40+2 लिख लिए हैं और ये वाला 40 हो गया है मेरा पहले और ये वाला 2 मेरा हो गया है फिर से बाद में. ये मेरा बीच में आ गया है साइन प्लस का, ठीक है. इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 40 × 40 यानी कि 1600, 40 × 2 यानी कि 80, फिर 40 × 2 यानी कि 80 और 2 × 2 यानी कि 4 सबको ऐड करने से आता है 1764. ये मेरा हो गया है आंसर, ठीक है. इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ओके, अब देखिए पैटर्न टू क्या है. ये है मेरे पास पैटर्न टू. ये कहता है कि कोई भी नंबर के एंड में अगर 5 है, यानी कि नंबर एंडिंग विद 5, देखिए एक नंबर है और नंबर के एंड में क्या है 5, और अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो ये मेरा निकलता है एक फॉर्मूला से, वो है a × a+1 × 100+25. ओके, यहाँ पर जो a है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए. a क्या है, समझिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और लास्ट में है उसका 5. ओके, तो वो जो नंबर दिया हुआ है ये पूरा नंबर लास्ट वाला 5 को छोड़ के, ठीक है, ये मेरा बन जाता है a. देखिए
अब हम लोग समझते हैं एक ट्राइडिस से। ये है मेरा ट्राइडिस, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट स्पेस। यहाँ पर दिया हुआ है 15, यहाँ पर दिया हुआ है 95, 105 और 205। लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए मेरा हो जाएगा 1। लास्ट में क्या है 5, ए हो जाएगा मेरा 9। लास्ट में क्या है 5, ए हो जाएगा मेरे पास 10। लास्ट में क्या है 5, ए हो जाएगा मेरे पास 20। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू को निकालेंगे। आइए देखिए, ये है मेरे पास नंबर 1, दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया है, तो यहाँ पर ए क्या है, ए है मेरा 1। देखिए यहाँ पर ए आ गया है 1। देयरफोर अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है ए प्लस 1 इंटू 100। देखिए ए आ गया है 1 और ए प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 100 और प्लस हो गया है 25, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 इंटू 100 प्लस 25, यानी कि 200 प्लस 25, इसका मतलब आंसर आ गया 225। वैसे ही देखिए नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है 95, तो ए क्या हो गया, ए हो गया है 9। यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि ए इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, तो ए क्या हो गया है 9। उसके बाद 9 प्लस 1 क्या हो गया है 10, और इसके बाद क्या था 100, देखिए यहाँ पर आ गया 100, यानी कि 9 इंटू 10 इंटू 100 प्लस 25, यानी कि 9 इंटू 10 करने से आता है 90, फिर यहाँ पे था इंटू 100, यहाँ पे आ गया इंटू 100 प्लस 25, यानी कि 9000 प्लस 25, यानी कि आंसर आ गया 9025। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 105 टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया है यहाँ पर ये वाला, तो ए क्या हो जाएगा, ए मेरा हो गया है 10, ये मेरा हो गया a इज इक्वल टू 10, देयर फोर 10 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, ये था मेरा फॉर्मूला। ओके, तो ये मेरा बन जाता है a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। इसको सॉल्व किए हैं, देखिए पहला वाला 10, यहाँ पर 10 आ गया, 10 प्लस 1 यानी कि 11, और यहाँ था इंटू 100 प्लस 25, फिर यहाँ पर है मेरे पास 11000 प्लस 25 यानी कि 110.25। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नंबर 4, ये दिया हुआ है 205 का स्क्वायर, लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 को छोड़ के जो नंबर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा a, यानी कि 20 हो गया है मेरा a। मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती से 25 लिख दिया गया है, एक्चुअली में ये होना चाहिए 20, इसका मतलब ये वाला यहाँ पर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए 20 मतलब a, उसके बाद होना चाहिए 20 प्लस 1 यानी कि a प्लस 1, ठीक है, तो ये मेरा हो गया a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100। ओके, a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100, ये जो आएगा उसके साथ हमको क्या करना है, उसके साथ हमको ऐड करना है प्लस 25। देखिए a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, यही था मेरा फॉर्मूला। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। अगर समझिए कि हमारे पास तीन नंबर दिया हुआ है, एक है मेरे पास नंबर ए, एक है समझिए बी और एक है समझिए सी, मेरे पास ऐसा तीन नंबर दिया हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है कि अगर हम लोग दो नंबर का स्क्वायर को ऐड करें, यानी कि अगर हम लोग दो नंबर का स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, तो वो मेरा इक्वल टू होता है थर्ड नंबर का स्क्वायर से। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ये वाला मेरा हो गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यानी कि ये हो गया है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर का स्क्वायर। ओके, ये मेरा बोलता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। वैसे ही हम 9 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 16 करते हैं तो कितना आता है 25। ओके, अब देखिए
5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 का स्क्वायर आता है 25। तो ध्यान से देखिए, ये 25 और ये 25 मैच कर गया, ओके। इसलिए ये मेरा हो गया है पाइथागोरियन ट्रिप्लेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 6, 8 और 10, इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो क्या ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट होगा, आइए चेक करते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देखिए, ये मेरा हो गया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया थर्ड नंबर का स्क्वायर। तो थर्ड नंबर का स्क्वायर कितना आता है, 100। इसका मतलब थर्ड नंबर का स्क्वायर अगर 100 आता है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर भी ऐड करने से मेरा 100 आना चाहिए। ये देखिए, 36 आ गया है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, 64 आ गया है सेकंड नंबर का स्क्वायर, दोनों को ऐड किए हैं तो मेरा आंसर आ गया है 100। ये 100 और ये 100 देखिए दोनों मैच कर रहा है, ओके। इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मेरा हो गया है पाइथागोरियन ट्रिप्लेट। देयरफॉर नंबर 3 4 5 एंड 6 8 10 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है जो है 2m² प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको देख के डरने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है, ओके। देखिए यहाँ पे कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो है मेरा 2m, फिर कहता है जो सेकंड नंबर है वो है मेरे पास m² माइनस 1 और बोलता है जो थर्ड नंबर है वो है m² प्लस 1, बस और कुछ नहीं है। ये है मेरे पास फर्स्ट नंबर, ये है मेरे पास सेकंड नंबर और ये है मेरे पास थर्ड नंबर। जो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर के साथ अगर हम लोग सेकंड नंबर का स्क्वायर को ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास थर्ड नंबर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये वाला है a² + b² = c², ठीक है। बस ये देखना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो है 2m, सेकंड नंबर है m² - 1, थर्ड नंबर है m² + 1, ओके, और कुछ नहीं। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 2, कहता है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिप्लेट हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। यहाँ पर कहता है कि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है, यानी कि ए बी सी में से मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होना चाहिए 8, ठीक है। आइए देखिए कैसे होगा ये। एग्जाम्पल 2, स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है 8, लेट अस ट्राई विथ 2m इज इक्वल टू 8। हम लोग 2m को 8 पकड़ लिए, ठीक है, assuming 2m to be the smallest number। हम लोग ऐसा समझते हैं कि 2m जो है ये दिया हुआ a, b और c में से 2m मेरा smallest number है, ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं। therefore 2m यानी कि smallest number मेरा हो जाता है 8, ओके। यहाँ से m क्या आ जाएगा, m हो गया है मेरा 4, 2 और 8 कट गया तो m आ गया 4, तो m² माइनस 1 क्या आएगा, m² माइनस 1 मेरा हो गया है 16 माइनस 1 यानी कि 15 और m² प्लस 1 मेरा हो गया है 16 प्लस 1 यानी कि 17। तो इस तरीके से ये मेरा हो गया है 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 1 17। देयरफॉर जो मेरा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है वो क्या हो गया है, वो मेरा हो गया है 8, 15, 17। ये तीन नंबर मेरा हो गया है पाइथागोरियन ट्रिप्लेट। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है। ये है एग्जांपल नंबर 3, ये कहता है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिप्लेट इन विच वन मेंबर इज 12। यहाँ पर बोलता है कि वन मेंबर को हम लोग पकड़ लेते हैं 12, तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट क्या होगा बताइए। ये है एग्जाम्पल 3, यहाँ पर वन नंबर दिया हुआ है 12, तो अगर हम लोग 12 को पकड़ लेते हैं 2m, तो ये क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 12, देयरफॉर m इज इक्वल टू 6। अगर m इज इक्वल टू 6 हो गया तो m² माइनस 1 क्या होगा, m² माइनस 1 मेरा हो गया है 6² माइनस 1 यानी कि 36 माइनस 1, इसका मतलब 35। वैसे ही मेरे पास m² प्लस 1 क्या हो गया, ये मेरा हो गया 6² प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 यानी कि 37। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर पहला नंबर आ गया 12, उसके बाद से सेकंड नंबर आ गया 35 और थर्ड नंबर आ गया 37। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट मेरा क्या बन गया, 12, 35, 37। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
to my channel and press the bell icon to get new video updates.